चैप्टर 11 टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स। कौन सा है? मस्कुलर फोर्स। तो देखो मस्कुलर फोर्स मीन्स द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मीन्स जहाँ पे मसल्स की कोई बात हो रही है, मसल्स से आप किसी चीज़ को फोर्स दे रहे हो, तो वो वाला फोर्स आपका हो जाएगा मस्कुलर। तो अभी इसमें बात कौन कौन सी हो रही है? तो स्कूल बैग जो आप होल्ड कर रहे हो तो अपनी अपने कंधे पे ही कर रहे हो ना, तो अपने मसल्स के यूज मीन्स आपने फोर्स दिया स्कूल बैग को। अगर आप हाथ से लिफ्ट कर रहे हो तो हाथ से आपने स्कूल बैग को उठाई हुई है। फिर एक दूसरा एग्जांपल है कि बकेट ऑफ वाटर है, तो उसको अगर आपने हाथ से ऊपर उठाया हुआ है तो वो भी आपका मसल्स की बात हो गई। फिर एक बात हो रही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो कोई ऑब्जेक्ट है वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है और उसको उठाने के लिए और उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने के लिए जब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ओके, ये बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। अब एनिमल्स में भी ऐसा होता है। एनिमल्स में देखा होगा आपके कई कई फिजिकल एक्टिविटी होती है, लाइक हॉर्सेस, डोंकी, कैमल्स, जो कई कई बार बहुत सारे काम करते हैं, तो वो उनको टास्क करने के लिए भी मस्कुलर फोर्स चाहिए ना। देखो यहाँ पे उठाया हुआ है, ये पीछे उठाया हुआ है, तो ये व्हील है, लेकिन व्हील किसका है? ये इसका व्हील है, ये इसने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। देखो दिख रहा है आपको, ये पूरा फोर्स कहाँ पे आएगा? ये बुलक जो है दोनों उनके कंधे पे आएगा, तो ये वाला जो फोर्स है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो सेंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आया ना, या ये इसके कंधे के कॉन्टैक्ट में आया, तभी मस्कुलर फोर्स लगेगा। जब तक इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक उसको मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगा। तो ये बात हो रही है कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, फ्रिक्शन की बात हो रही है। कल हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, आज हम थोड़े इसमें आगे बढ़ेंगे। रिकॉल द सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, द बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन फाइनली कम रेस्ट। जब भी आप ग्राउंड पे किसी बॉल को क्या करते हो, रोल कराते हो, तो एक टाइम के बाद वो स्लो हो जाता है। फिर बाइसिकल को जब आप पैंडल लगाते हो तो थोड़े टाइम के बाद स्लो हो जाता है। फिर स्कूटर को जब आप कार या स्कूटर को एक्सीलरेटर देते हो तो थोड़े टाइम बाद स्लो हो जाता है। फिर आप इंजन को जब बंद करते हो तो वो भी थोड़े आगे जाकर रुक जाता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? तो इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, येट दैट स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे फाइनली कमिंग टू रेस्ट। मीन्स स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज, और फाइनली वो रेस्ट पे चला जाता है। व्हाट कॉज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन, ये मोशन की चेंज होने का स्टेट जो है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो फ्रिक्शन। कुड सम फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? कैन यू गेस द डिरेक्शन इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाई ऑन दिस? देखो अभी हम गेस करते हैं कि इसकी फोर्स किस डिरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट डिरेक्शन में लगेगा, तभी उसका फोर्स कम होगा ना, तभी वो ग्रेजुअली स्लो के बंद हो जाएगा। तो यही बात हो रही है। देखो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज फ्रिक्शन। ये किसकी बात हो रही है? फ्रिक्शन की। इट इज द फोर्स ऑफ द विस्कस फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तभी बॉल रेस्ट पर चला जाता है। फिर वाटर बोट जब चलती है वाटर पे, जब वो उसको रोल कराता है तब तक वो आगे बढ़ती है, एक टाइम के बाद रुक जाता है। तो वाटर और बोट के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है। फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ऑलवेज फ्रिक्शन कब किस डायरेक्शन में लगता है? तो डायरेक्शन ऑफ द जो मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सिंस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस, इट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का है। ओके, यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स। तो ये फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो एसेंशियल है। डज द मैग्नेट ऑफ द लोरल बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट ड्रोन इनटू नियर इट। जब भी कोई एक मैग्नेट के पास में दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो एन के पास में अगर एन नॉर्थ के पास में नॉर्थ आता है तो उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट, व्हाट डू यू ऑब्जर्विंग दैट। तो देखो ये बात हो रही है इसकी कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हो रही है कि मैग्नेट के पास में आप दूसरा मैग्नेट लाओगे तो हर बार वो अट्रैक्ट होगा, नहीं, अगर नॉर्थ के पास में साउथ आएगा तो ही अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ के पास में नॉर्थ आएगा या तो साउथ के पास में साइड आएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ फिर भी फोर्स लगा ना, तो वो बात हो रही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमने दो मैग्नेट का कॉन्टैक्ट नहीं करवाया, बिना कॉन्टैक्ट के वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट हो रहे हैं, तो ये बात हो रही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो ये बात हो रही है कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये सब हो गए आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये जो फ्रिक्शन वाले फोर्स है वो फोर्स, और ये जो मैग्नेट की जो बात हो रही है वो बात हो रही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की।